पर्सनल लाइफ का मेरा किस्सा फिल्में ही होती है हम लोगों का किस्सा। आई थिंक बाकी के किस्से आप लोगों को ना पता चले तो बेटर है। मैं जो हूँ इस तरह की फिल्म के लिए जब आती हूँ तो उसकी सपोर्ट में आती हूँ, और मुझे यकीन है कि किस्सा एक बहुत अच्छी फिल्म है क्योंकि इसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ ऑलरेडी इंटरनेशनली हो चुके हैं। इरफान बेहद अच्छे एक्टर हैं, जिसका बेहद अच्छी एक्ट्रेस हैं, तो मैं यहाँ हूँ सपोर्ट करने के लिए और आपके सवालों का जवाब देने के लिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि इन फिल्मों का मार्केट तो आज से बहुत पहले शुरू हुआ था, जब भुवन शोम बनी थी और श्याम बेनेगल की अंकुर बनी थी, तो जिसको हम पैरेलल सिनेमा कहते हैं वो इसी तरह की फिल्म थी जो कि लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर को नहीं कैटर करती थी। तो आज भले ही इसका अवतार चेंज हो गया हो, लेकिन मैंने हमेशा ये माना है कि हम अपनी ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट करते हैं और हमारी ऑडियंस अच्छी चीज़ को एम्ब्रेस करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अभी देखेंगे तभी बता पाएंगे, अभी मुझे कुछ ज़्यादा पता तो है नहीं। मुझको इतना पता था कि जब हम लोग चंडीगढ़ में कहीं थे, मैं भी इरफान के साथ, इरफान इसकी शूटिंग करने जा रहा था तब, तो मुझे सिर्फ हल्के फुल्के कहानी के बारे में पता है, मुझे ज़्यादा पता नहीं फिल्म कैसी है, अभी देख के बता पाएंगे। नहीं, हम लोग साथ में काम कर रहे हैं इरफान के साथ में, सो वेरी सून विल बी मेकिंग अ प्रॉपर बिग अनाउंसमेंट अबाउट इट। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ किस्सा देखने के लिए, और मैं कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ किस्सा की पूरी टीम को, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सुना है इस फिल्म के बारे में, और मेरे दो बहुत अच्छे दोस्त इस फिल्म में एक्टिंग कर रहे हैं, रसिका डुगल और तिलोत्तमा शोम, और दोनों ने बहुत अच्छा काम किया ऐसा मैंने सुना है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं पूरी टीम को बहुत 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 बधाई देना चाहती हूँ। मुझे लगता है अगर ये चीज़ लागू हो गई तो बहुत सारे बीप हमें सुनने पड़ेंगे अपनी फिल्मों में, एंड ऑल द बेस्ट टू किस्सा। एंड फिल्म ऐसी है जो कई बार फिल्में आपको ऐसी जगहों पर नहीं ले जाती हैं, फिल्में अक्सर जो है जानी पहचानी जगहों पर ले जाती हैं। ये फिल्म थोड़ी ऐसी जगह पर ले जाती है जो जहां आप अक्सर जाते नहीं हैं, सिनेमा आपको लेके नहीं जाता, तो इसलिए यूनिक है। इसलिए जो जिस तरह का रिएक्शन है लोगों का, जो रिव्यूज़ आ रहे हैं, जो जिस तरह से वो बोल रहे हैं, वो इसीलिए बोल रहे हैं कि उस जगह पर फिल्में लेके नहीं जाती हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साथ रह जाती हैं, जैसे कल एस के झा का मैसेज मैंने सुबह देखा, रात के 2 बजे का था कि मैं रात भर सो नहीं पाया फिल्म देख के, तो मतलब इन अ गुड वे। फिल्म मासूमियत सिर्फ ढकोसला है, अंदर इसके बहुत टर्मोइल है, अंदर बहुत ज्वाला है, अंदर तूफान है एक तरह का, तो वो और क्या पंजाबियत के बारे में क्या पंजाबियत जो है मैंने समझी इसमें, सीखी ज़बान के तौर पर, और शुरू में मुझे दिक्कत आ रही थी बहुत, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब उसकी लय समझ में आई तो मुझे मज़ा आया। फिर मुझे हिंदी में बोलने में ज़्यादा, पंजाबी बोलने में ज़्यादा मज़ा आता है। नहीं, डराने को उस तरह की हॉरर फिल्म नहीं है, होस्ट जो है और वो आप फिल्म देख के समझ पाएंगे, ये सारी चीज़ें मैं समझा नहीं सकता। ये शुड मीन समथिंग टू यू। एक बात ये बोल सकते हैं कि जैसे पार्टीशन है हमारे भारत में, अगर हम पार्टीशन के बारे में सोचें तो हमारे जैसे जहन में रहता है पार्टीशन, वो एक भूत की तरह, एक प्रेत की तरह हमारे साथ साथ चलता है। तो वो आज समझ सकते हैं एक प्रकार का भूत ही है, एक प्रकार की प्रेत है।